How to change photo background on iPhone without any app. Hello guys, welcome back to a new video. अब आप easily change कर सकते हैं अपने किसी भी particular photo का background like this. आप सभी check कर सकते हैं, मैंने एक particular photo का background customize किया हुआ है एंड यहाँ पे मैंने किसी भी app को use नहीं किया है. तो इस video में guys आपको बताने वाला हूँ कैसे आप बिना किसी application की help से यहाँ पे आप easily कर पाएंगे change किसी भी photo का background like this. मैंने यहाँ पे high quality में background को change किया है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए आप किसी भी फोटो को क्लिक करें एंड यहाँ पे आप सेव कर लें उसको गैलरी में एंड देन आपको जाना है उस फोटो पे एंड ये कोई भी फोटो हो सकती है आपकी. देन आपको उस फोटो को टैप ऑन करना है. ओपन करने के बाद जस्ट उस फोटो को इस तरीके से चेक कर सकते हैं. यहाँ पे उसको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है. जैसे आप इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं देन आपको देखने को मिल जाती है शेयर एंड कॉपी. तो जस्ट आपको यहाँ पे कॉपी के बटन पे टैप ऑन करना है एंड फुल ट्यूटोरियल देख लें दोस्तों. आपको एग्जैक्टली बताऊँगा, आपको कोई भी ऐप को यूज़ नहीं करना है. जस्ट कॉपी के बटन पे क्लिक करें एंड देन आप सभी इसको बैक कर दें. बैक करने के बाद दोस्तों आपको अपने आईफोन्स में एक डिफ़ॉल्ट ऐप मिलती है जिसका नाम है यहाँ पे नोट्स. जी हाँ दोस्तों, आप नोट्स ऐप को ओपन करें. नोट्स एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद जस्ट यहाँ पे हम टैप ऑन करते हैं देन आप सिंपली पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके एक न्यू नोट तैयार करेंगे. राइट, तो फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे टैप ऑन करेंगे एंड आप सभी इस पे टैप ऑन करें देन आप सभी को देखने को मिल जाती है पेस्ट. तो यहाँ पे सिंपली आपको जो है एक बारी टैप ऑन करना है. आपको पेस्ट फॉर्मेट एंड काफ़ी सारी फीचर मिलते हैं. देन आपको सिंपली टैप टू द पेस्ट. ओके, जैसे ही आप टैप के बटन करेंगे, पेस्ट के बटन पे टैप करेंगे सॉरी, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है इस तरीके से. अब जो गाइस यहाँ पे आपकी जो फोटो है कन्वर्ट हो चुकी है यहाँ पे PNG में. जी हाँ दोस्तों, ये बेस्ट वे है अपनी किसी भी फोटो को PNG में कन्वर्ट कर सकते हैं. जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक भी इसी वीडियो में कवर हो चुका है. आप पूछ रहे थे कि हम अपने आईफोन में किसी फोटो को PNG में कैसे कन्वर्ट करें, तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं. अब आपको शेयर के आइकन पे क्लिक करना है देन आप सभी स्क्रोल अप करें एंड चेक करें सेव इमेज. जी हाँ दोस्तों, आपको इस पर टैप ऑन कर देना है. चलो हम यहाँ पे इसको टैप ऑन कर देते हैं. टैप ऑन करने के बाद अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपका 50% वर्क डन हो चुका है. तो यहाँ पे हम बैक करेंगे, ये देख सकते हैं हमारी जो फोटो है PNG में कन्वर्ट हो चुकी है. जी हाँ दोस्तों, आप इस तरीके से अपनी किसी फोटो को PNG में इजीली बना सकते हैं. किसी भी ऐप को यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है. तो आपकी PNG कन्वर्ट हो चुकी है. अब आपको क्या करना है, जाना है यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन के ऊपर. एंड मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, बैकग्राउंड चाहे आपके पास गैलरी में पड़े हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज अगर पास आपके पास बैकग्राउंड नहीं है अच्छे अच्छे तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आपको बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे बैकग्राउंड मिल जाएंगे जो कि आपको PicsArt ऐप पे अवेलेबल हैं. जी हाँ, तो आप बैकग्राउंड के लिए सिर्फ और सिर्फ इसको यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज़ अगर आपके पास ऑलरेडी बैकग्राउंड्स हैं तो वेल एंड गुड है, बट मैं सजेस्ट करूँगा आप PicsArt ऐप को यूज़ कर लें. इसमें आपको बैकग्राउंड काफ़ी हाई क्वालिटी के साथ मिल जाते हैं. चलो मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको. यहाँ पे सिंपली हम ओपन करेंगे एंड ओपन करने के बाद कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें. बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी सी एप्लीकेशन है. जस्ट आप सिंपली टैप ऑन कर दें एंड देन आपको स्टार्टेड कुछ भी चूज़ कर लें देन आप सब देखने को मिल जाती है. यहाँ पे स्किप कर दें. राइट, तो यहाँ पे हम स्किप कर देंगे. स्किप करने के बाद दोस्तों इस तरीके से देखने को मिल जाती है. यहाँ पे अगेन आप स्किप कर दें, ऊपर आप देख लें यहाँ पे आ रहा है, स्किप कर दें, कट कर दें इसको. देन आप यहाँ पे अलाउ कर दें ऑल फोटोज़. देन आप सभी देख पाएंगे कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस मिल जाता है. अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आप कैसे अपना फेवरेट बैकग्राउंड गेट कर सकते हैं. राइट, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सर्च के बटन पे आपको टैप ऑन करना है. वैसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं खुद का ब्लैक एंड वाइट, बट मैं आप इसको बैक कर दूंगा. एंड यहाँ पे आपको एक सर्च बार मिल जाएगा इसी ऐप पे, ठीक है. तो हम यहाँ पे गेट कर लेते हैं कोई एक अच्छा सा बैकग्राउंड. तो सर्च पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप टाइप कर दें बैकग्राउंड्स. राइट, जैसे ही आप यहाँ पे बैकग्राउंड्स टाइप करेंगे, टाइप कर देते हैं, देन आपको सर्च पे क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे बहुत ही सारे आपको अच्छे अच्छे यहाँ पे बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं. ध्यान रखना गाइस, आपको यहाँ पे प्रीमियम वाला यूज़ नहीं करना है. जस्ट आप सभी चेक कर सकते हैं, आपको काफ़ी ऑलरेडी फ्री में भी मिल जाती हैं. तो सिंपली यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक अच्छा सा चूज़ कर लेते हैं. तो जस्ट नॉर्मली मेरे को एक अच्छा ये लगा, तो यहाँ पर हम चूज़ कर लेते हैं. आप कोई भी चूज़ कर लेना, काफ़ी सारे आपको मिलेंगे. थाउजेंड्स ऑफ वॉलपेपर हैज़ बीन अवेलेबल ऑन दिस. तो आप कोई भी चूज़ कर लेना, मैं इस पर टैप ऑन करूँगा. देन आप सभी चेक करें, इसको अगेन कट कर दें. कट करने के बाद अब आपको देखने को मिल जाती है इस तरीके से. इवन आप इसका कस्टमाइज़ कर सकते हैं साइज़ को भी. अगर आप साइज़ कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो है रेशियोज़ मिल जाते हैं. यूट्यूब के लिए, थंबनेल्स के लिए, फ़ोटो के लिए, स्टोरी के लिए, आपको काफ़ी सारे रेशियोज़ मिल जाते हैं. इवन आप फेसबुक पर भी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है. फॉर एग्जाम्पल मैं इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, देन आपको अप्लाई के बटन पर टैप ऑन करना है. अब आपको बारी आती है यहाँ पे उस फोटो को लाना है. वैसे आप यहाँ पे काफ़ी सारे एडिटिंग कर सकते हैं, बट मैं आपको जस्ट बताऊँगा आप बैकग्राउंड कैसे चेंज करें, ठीक है. अदरवाइज ये वीडियो लेंथी हो जाएगी. देन आपको यहाँ पे एक फ़ोटो का आइकन मिला था, उस पर क्लिक करेंगे, आप ये रिडायरेक्ट कर देगी कैमरा रोल पर. अब आपको उस फोटो को चूज़ करना है जो कि हमने कन्वर्ट की है उसको PNG में, ठीक है, नॉर्थ में.
तो आप सभी चेक कर सकते हैं। जैसे आप इसको लाते हैं यहाँ पे, अब आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। दोस्तों आप जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे किसी भी बैकग्राउंड को चूज़ कर सकते हैं जो आपकी फ़ोटो पे शूटेबल हो, फिट बैठ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। एंड यहाँ पे आप जाके थोड़ी सी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जितनी आप यहाँ पे जो इसकी शेडो या फिर हाईलाइट्स करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। क्लैरिटी वगैरह आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से, ये भी आपको फैसिलिटी इस ऐप में मिल जाती है। तो हम यहाँ पे फटाफट से इस तरीके से थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ कर देते हैं, देन इसको हम डायरेक्टली सेव करते हैं अपनी कैमरा रोल में, एंड आपको दिखाते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये सेव हो जाती है। एंड सबसे बेस्ट मुझे ये लगा कि इसमें जो आपको कोई भी क्रॉप वगैरह करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अप्लाई के बटन पे क्लिक कर दें एंड देन आपका ऑलमोस्ट 99% वर्क डन हो चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट इस शेयर के आइकन, सॉरी डाउनलोड के आइकन पे क्लिक करेंगे, देन आपकी जो है ये डाउनलोड हो जाएगी। एंड इसको क्लोज कर दें, क्लोज करने के बाद इसको बैक करें एंड देन आपको जाना है अपनी कैमरा रोल ऐप पे। तो हम इसको ओपन करते हैं। एंड ध्यान रखें दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा ये जो है आपको एप्लीकेशन बिल्कुल भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको जस्ट यहाँ पे बैकग्राउंड देखने को मिलते हैं, डैट्स व्हाई आप यहाँ पे पिक्सआर्ट को यूज़ करें। अदरवाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जो पीएनजी में कन्वर्ट करके अपनी किसी भी फोटो को चेंज कर पा रहे हैं बैकग्राउंड। तो देख सकते हैं दोस्तों आप सभी, बहुत ही सिंपल से तरीके से इस तरीके से कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इस फोटो का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही परफेक्टली तरीके से चेंज हो जाता है, प्लस एंड जो आपकी फोटो की क्वालिटी है वो भी नॉर्मल यानी कि हाई पर ही रहती है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो इसी तरीके की वीडियो के लिए। थैंक